मैं फिर दोस्त अख्तर थाना शिकारपुर जिला बेतिया पश्चिमी चंपारण एसपी साहब से निवेदन है कि स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी की हत्या में मेरा नाम और मेरे फैमिली का नाम मेरे पिता सुहेल अख्तर और भाई सबरूस अख्तर का जो नाम आ रहा है तो इस केस को स्वयं जांच करें या कोई अपने कोई खास अफसर को देख के जाँच करवाएं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल इंसाफ करेंगे। डीएसपी कुंदन कुमार साहब स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी एक अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटे और बड़े जमीन के काम में वो लोग पार्टनर रहा है। इसलिए डीएसपी कुंदन कुमार साहब और डीएसपी कुंदन कुमार साहब इस केस को एक पुलिस अफसर की तरह नहीं एक दोस्त की तरह देख रहे हैं। बिना कोई कोर्ट के आदेश बिना कोई सुपरविजन किए मेरे घर पे जाके तबाह हो बर्बाद पूरा सामान से हर एक चीज़ को कर दिए हैं। इसलिए मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है और वो अपने कुछ खास अफसरों के साथ मिलके मेरा इनकाउंटर भी करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूँ कि इस केस को स्वयं जांच करके इंसाफ दे। जहाँ रही मेरी बात, साहब को लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं खुद आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ और कोर्ट में हाजिर होने भी जा रहा हूँ। इसलिए आप पे पूरा भरोसा है और आपके भरोसे से पूरा शहर वाकिफ है कि आप इंसाफ करेंगे एसपी साहब। इसलिए आप डीएसपी कुंदन कुमार साहब से ये केस लेकर खुद से जांच करें और जहाँ इस पेपर में जो आ रहा है मैं खुफिया देंगे एसपी साहब। इसलिए आप डीएसपी कुंदन कुमार साहब से ये केस लेकर खुद से जांच करें और जहाँ इस पेपर में जो आ रहा है मैं खुफिया एक अपराधी हूँ एसपी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे शहर में मैं एक लूट, एक किडनैपिंग, एक रंगदारी, एक जमीन कब्जा कभी ऐसा किया हूँ तो डीएसपी साहब साबित करें। और जब तक मैं जीऊँगा सर, पूरा भरोसा दिलाता हूँ पूरे शहर से किसी गरीब मजलूम किसी के जमीन कब्जा कोई लूट जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। आपको बिल्कुल और बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आपसे सर पूरा मुझे भरोसा है आप पे कि आप इंसाफ करेंगे। इसलिए मैं आप कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ।